कांग्रेस में अंदरूनी कलह के किरदार सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही नहीं, कांग्रेस के और भी कई नेता हैं जो एक दूसरे पर सियासी हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। 7 महीने पहले जब गहलोत गुट के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत की थी, तब कांग्रेस की तेज तर्रार विधायक दिव्या मदेरणा ने मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को पार्टी का असली गद्दार करार दिया। अब दिव्या मदेरणा ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल पर एक बार फिर सियासी हमला बोला। धारीवाल के सीएम गहलोत के समर्थन में दिए एक बयान की दिव्या मदेरणा ने घोर निंदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के किसी नेता में दम नहीं था कि वे परसराम मदेरणा को पानी पिला देते। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के घाट की गुड़ी क्षेत्र में पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। इस समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद थे। शांति धारीवाल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की, कहा, ये वो अशोक गहलोत हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को पानी पिला दिया। अशोक जी 3 साल पीसीसी चीफ रहे, इन 3 साल में उन्होंने जो संगठन जमाया उससे हाईकमान इतना खुश हुआ कि उन दिनों मुख्यमंत्री बनने के लिए कई बड़े बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी। शांति धारीवाल ने यह बयान सचिन पायलट पर भी तंज कसते हुए दिया था। साथ ही उन्होंने इशारों ही इशारों में साल 1998 की उस घटना की भी याद दिला दी जब कांग्रेस ने 153 सीटें जीती और परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल के इस बयान को टैग करते हुए ट्वीट किया, 1998 में 153 सीटों का जनादेश स्वर्गीय परसराम मदेरणा के नाम पर आया। 1998 के बाद कांग्रेस कभी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। कांग्रेस ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट में ही सिमटी। राजस्थान और हिंदुस्तान के किसी नेता में इतना दम नहीं था कि उन्हें पानी पिला देते, वे जनता के नेता थे। धारीवाल के बड़े बड़े नेताओं को पानी पिलाने के बयान की निंदा करते हुए दिव्या ने कहा, परसराम मदेरणा कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही थे, उन्होंने नेहरू गांधी परिवार की किसी भी बात को कभी नहीं टाला। साल 1998 उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा, इसकी घोषणा उन्होंने चुनाव से पहले ही की थी, फिर भी कांग्रेस आलाकमान का आदेश सर आंखों पर लिया और इसीलिए 1998 में उन्होंने ही माइक पर एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाया कि कांग्रेस आलाकमान जो निर्णय लेंगे वो सब कांग्रेस जन को मंजूर होगा। इसी वजह से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन पाए।